फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को हमारा वाटर लिली दिखा रहे हैं, साथ में इसके केयरिंग के बारे में बताएंगे। और हम बताए थे कि इसका मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं सॉइल, तो आज सॉइल मिक्स कैसे बनाना है और कैसे इसको लगाना है, ये सारी चीज़ आज हम आप लोग को शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिएगा हम इसका मिट्टी कैसे तैयार किए हैं और कैसा पौधा हम लगाएंगे। हमारे पास चार कलर का वाटर लिली है। फ्रेंड्स, ये येलो कलर है और इसमें है पिंक कलर और ये है वाइट कलर और पर्पल कलर। तो आज हम ये जो मार्केट से हम छोटा सा बैग में मिलता है वाटर लिली का प्लांट, उसको हमने लाया है और फिर से आज हम एक बड़ा टब में लगाने की प्रोसेस हम बताएंगे आप लोग को। जब भी हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो जब घर में ला के लगाते हैं तो कुछ दिन बाद वो मर जाता है। और है नॉर्मल मिट्टी खेत से या आसपास के जहीं कहीं से भी ज़मीन से आप मिट्टी ले आएं। ये नॉर्मल मिट्टी है गार्डन सॉइल। अब इसको हम ये टब में डालेंगे, टब में मिला दे रहे हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट हम डालेंगे। तो दोस्तों, जितना मात्रा में हमने मिट्टी लिया था उतना मात्रा वर्मी कंपोस्ट का ले लिया है हमने। आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो नॉर्मल गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये गोबर का जो खाद है पूरी तरीके से डी कंपोस्ट होनी चाहिए। तो अब इसको हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं और मिला देंगे इसको। सॉइल मिक्स करने के बाद दोस्तों, सॉइल और वर्मी कंपोस्ट हमने मिक्स किया, उसके बाद यूरिया लग रहे हैं करीबन आधा कटोरी। इसमें करीबन 7 से 8 चम्मच हम यूरिया डाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम पोटाश डाल रहे हैं, ये रेड पोटाश है, मात्रा उतनी ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों उतनी ही मात्रा में हमने SSP ले लिया है, सुपर फॉस्फेट, और थोड़ी सी मात्रा हमने फंगीसाइड लिया। उसके बाद दोस्तों इसको पूरी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें पर्याप्त मात्रा में हमने पानी आ रहा है, हम पानी डाल रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में डाल रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी डालने के बाद दोस्तों हम इसको करीबन 20 से 25 दिन रख देंगे इसका मिट्टी सजने के लिए, उसके बाद हम इसमें प्लांट लगाएंगे। सॉइल देख रहे हैं, लगभग 1 महीना हो गया। अब हम 1 महीने का अपडेट आप लोग को दिखा रहे हैं। आप पूरी तरह से आप देख रहे होंगे कि इसमें काई वाई जम गया है। इस सारे चीज को हम पहले साफ कर लेंगे। जितना भी काई जमा था उसको हमने बाहर कर दिया है। अब ये दोस्तों, ये हमारा इसके लिए सॉइल तैयार हो चुका है, सभी तरह मिला देंगे। बीच बीच में हमने इसको मिलाया भी था। हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा रेत मिला दे रहे हैं। रेत को हम पूरी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। हम जो मार्केट से जो प्लांट लाए हैं उसको हम लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम नर्सरी में जाएंगे तो ऐसा कैरी बैग में वो लोग देंगे, तो प्लांट को आप ऐसा सॉइल बना के जरूर लगाइएगा। हाँ, हो गया। अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं। पूरी तरह से पानी डालने के बाद फ्रेंड्स हम फिर से इसमें ऊपर रेत डाल देंगे, जिससे पानी एकदम से
बाद में ये मिट्टी अंदर जम जाएगा और पानी हमेशा आपका साफ रहेगा, मिट्टी बाहर नहीं आएगा। और कुछ दिन बाद, दो तीन दिन बाद ये पूरा तरह से पानी साफ हो जाएगा। और आप ध्यान रखें कि इसको धूप की बहुत ज़रूरत होगा, आप खुले धूप में रखिएगा, 4-5 घंटे का धूप इसको चाहिए दोस्तों, या दिन भर भी आप धूप में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, सॉइल बनाने का पूरा काम हमारा हो चुका है और इसको हमने जो दिख रहा है वो 2 साल से हम इसमें लगा चुके हैं। और अभी जो हम आप लोग को बताएं हमारा एक्सपीरियंस के बारे में, हम एक्सपीरियंस के अनुसार हम बताएं हैं कि सॉइल कैसे बनाएं, हम केयर किए हैं तभी हम बताएं हैं फ्रेंड्स। तो आप ऐसा सॉइल बनाइएगा और अपना वाटर लिली, फिर आपका वाटर लिली बहुत ही अच्छा फ्लॉरिंग करेगा। और इसका फ्लॉरिंग हमेशा होता है दोस्तों, बस ठंड के समय में ये डोरमेंसी के पेट में हो चल देता है, ये ठंड के समय में ही बस खिल नहीं पाएगा, बाकी आप बरसात गर्मी में और बहुत ही अच्छा फ्लॉरिंग करेगा। और फिर और हम कुछ और टिप्स तो आपको दे रहे हैं, इसको कड़े धूप में रखिएगा, धूप की बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। और अभी तो खैर इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जब इसको सॉइल बना रहे थे तो भरपूर मात्रा में हम खाद डाल चुके थे और पूरी तरह से वो डीकम्पोस्ट हो चुका खाद है। तो लगभग 1 महीना में हम इसमें खाद डालते हैं दोस्तों, और कौन सा खाद डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम आपको शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, अपने वाटर लिली को आप ऐसा है सॉइल बना के लगाइएगा, ज़रूर ही बहुत अच्छा से ये फ्लावरिंग करेगा और हमेशा मुस्कुराते रहेगा ये प्लांट। फूल को देख के आपका भी मन बहुत खुश हो जाएगा फ्रेंड्स, और आप भी हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आप इसका पानी बिल्कुल भी कम होने ना दीजिएगा, जब जब ये पानी सूखता जाएगा आप पानी की मात्रा उसमें डालते चलें, बस आपको पानी का बस ख्याल रखना है और कुछ नहीं करना है। 2 दिन का अपडेट दिखा रहे हैं, 2 दिन बाद हमारा वाटर लिली फ्लॉरिंग कर चुका है, इसमें पिंक कलर का फूल खिला है और ये जो हम नया लगाए हैं उसमें ये वाइट कलर, और पानी भी हल्का सा साफ हो चुका है। और ये है बहुत ही सुंदर पर्पल कलर का, अभी आप बाद में और अपडेट देंगे, खूब सारे पत्ते आ जाएंगे और फ्लॉरिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। और ये है येलो कलर का, ये है अभी ये बड्स आ रहा है इसमें, ये खिलने वाला है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स हमारा वीडियो, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।